इज़ वेलकम ऑल वेलकम बैक टू माई चैनल अभीक्षा होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ज्वलरी हॉल आप लोग को मेरी ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं इंस्टाग्राम पर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी आप अपनी ज्वेलरी कहाँ से लेते हो सो इस बार ना मैंने कुछ न्यू ज्वलरीज बाई की हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज बाई की है काफ़ी यूनिक और एंटिक ज्वेलरीज बाई की हैं ताकि व सूट पर भी चल जाएँ और मेरी साड़ियों पर भी चल जाएँ सो आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ उसके बाद मैं जब जब पहनूंगी मैं तब तक पैक करती जाऊँगी और आप देखें लेना कि हाँ ये वही वाली ज्वेलरी है तो अगर आप मंगाने में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा जितने भी प्रोडक्ट हैं मैंने जहां से मंगाए हैं जितने भी ज्वेलरीज वो सब डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी जरूर चेकआउट करिएगा ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर sure आप इस वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो लोगों को ज्वेलरीज़ का बहुत शौक़ होता है और अगर कोई एक ऐसी शॉप मिल जाए जहाँ पर हमको हमारे रिक्वायरमेंट की हर एक ज्वेलरी मिल जाए तो वो बेस्ट होती है और ट्रस्टेबल पेज हो तो और भी अच्छी बात है तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही ज्वेलरी हॉल लेकर आई हूँ जिसमें जो ज्वेलरीज हैं वो सारी एंटीक हैं एंड सबसे बड़ी बात है बहुत ही ट्रस्टेड पेज है तो आप आराम से उनसे सारी चीज़ें बाय कर सकते हो सो so, हम बात कर रहे हैं एक इंस्टा स्टोर आभूषण स्टोर की जहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज मंगवाई हैं एंड द वन आई एम वेयरिंग इज ऑल्सो फ्रॉम आभूषण स्टोर ओ माई गॉड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट एंड इतना ज़्यादा क्लासी इतना ज़्यादा मतलब सुंदर सा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं ये ज्वेलरीज ऐसी हैं कि आप किसी नॉर्मल से कपड़े पे भी पहनोगे ना तो ये कपड़े के आ, लुक को ना एकदम उठा देंगी तो ये वैसी वाली ज्वेलरी हैं तो शुरू करते हैं फर्स्ट ज्वेलरी से और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी प्रोडक्ट हैं ये ज्वेलरीज़ वगैरह डिस्क्रिप्शन में पूरा सब कुछ मेंशन है पूरी डिटेल वगैरह जिस स्टोर की है वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ज्वेलरी की जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सी ज्वेलरी जो थोड़ी सी झुमकी पैटर्न में है एंड इसमें से सहारा लगा हुआ है आई रियली लव सहारा का पैटर्न मुझे ये पैटर्न इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ ये ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है आप देखो इसमें वन टू ऐसे करके ये छोटे छोटे से बीट्स बने हुए हैं नीचे लटक रही है, बहुत ही प्यारा ये जंग ज्वेलरी में बहुत ही अच्छा वाला पैटर्न है बहुत ही ज्यादा सुंदर है आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली exactly क्या बोलते हैं मुझे आई गेस याद था बट मैं भूल गई। बट ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है एंड uh, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली ले लेना यार साड़ियों पे सूट पे बहुत अच्छा लगेगा स्पेशली अनारकली सूट पे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा टुडे आई एम आल्सो वेयरिंग अनारकली सूट तो इसके साथ मैंने ना ऐसे पहन लिया तो ये बड़ा सुंदर सा लग रहा है बड़ा प्यारा सा लग रहा है कथक वत्थक करने जा रही हूँ मैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो ये थी मेरी फर्स्ट ज्वेलरी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हेलो एवरीवन सो मुझे फटाफट फ़ड़ से आपको बताना था कि पर्वल डॉट कॉम पर बहुत ही बढ़िया वाली सेल चल रही है बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली हैं एंड आप लोग मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि दीदी मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करना है कहाँ से बाय करें तो आप लोग डेफिनेटली पर्वल डॉट कॉम से बाय कर सकते हो बिकॉज वहां पर बहुत ही बढ़िया वाली सेल चल रही है ऑल्सो जो ब्राइड्स हैं उनके लिए मेरे पास कुछ बहुत ही फटाफट फ़ड़ से मैं कुछ चीजें बता देती हूँ जो दो तीन चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जो कि मैं अपनी डेली टू डेली लाइफ में जरूर यूज कर रही हूँ आजकल मतलब नया एडिशन किया है मैंने अपने मेकअप लुक में तो दो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आजकल यूज कर रही हूँ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फिर बता रही हूँ एसक्यू के की ये जो लिप क्रियोन है ये जो छोटे छोटे वाले चल रहे हैं आजकल इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेड हैं आप देख सकते हो ये वाला जो शेड है ये शेड मुझे काफी ज्यादा पसंद है मैं काफी यूज करती हूँ उसको अभी मैंने यही शेड लगाया हुआ है मैं आपको हल्का सा दिखा भी देती हूँ यू कैन क्लियरली सी कितना ब्यूटीफुल लग रही है ये लिपस्टिक बहुत सारे लोग ना रेड लिपस्टिक नहीं लगाना पसंद करते उनके लिए मेरे पास ये बहुत ही बढ़िया वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी लगा के रखा है एंड मैं आजकल अपने रील वीडियोज में ना यही वाली लिपस्टिक लगाती हूँ रेड लिपस्टिक लगा ला के ना थोड़ा सा बोर हो गई हूँ तो मैंने थोड़ा सा स्विच किया है अभी इस लिपस्टिक पे सो so, एसकीू में ना आपको इतने ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे इतने बढ़िया बढ़िया लिस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट आजकल काफी यूज कर रही हूँ मैंने अभी सी सी क्रीम लगाई है सीसी क्रीम आई गे सीसी क्रीम ही है एक सेकंड लेट मी जस्ट सी मैं वीडियोस के लिए रेडी हो रही थी तो मैंने कहा आपसे फटाफट से एक बार बता देती हूँ हाँ तो ये लैक्मे की सीसी -सी क्रीम मैंने लगाई है अभी जो कि बहुत अच्छी इतना प्यारा कवरेज देती है आप देखो मैंने कुछ कंसीलर वंसीलर नहीं लगाया मैंने सिर्फ सीसी क्रीम लगाई है कि मेरे फेस पे ना एक हल्का सा शाइन रहे और वो भी मैंने सीसी क्रीम ना थोड़ी देर हो गया मुझे लगाए तो अभी मैं फिर से टचअप कर रही हूँ सो so, ये कॉम्पैक्ट मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ जो कि है अशफा हलाल का कॉम्पैक्ट इसमें इतने सारे शेड आते हैं मेरा जो शेड है वो है नेचुरल स्पार्कलर जीरो टू बहुत सारे शेड हैं आप देख लेना वेबसाइट पे अवेलेबल है छोटू सा मिरर मिलता है और मैंने इसको ये ब्रश में लिया एंड ज्यादातर ना मैं अपनी अंडर आई को ही सेट करती हूँ बिकॉज ना काजल ऐसे लगता है कि ब्लैक हो गया है या अंडर आई थोड़ी सी ब्लैक लगने लगती हैं तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है आजकल काफी ज्यादा यूज कर रही हूँ मैं इसको एक्चुअली आजकल काफी इजी लगता है मैं फाउंडेशन नहीं लगाती मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाती हूँ कई बार तो सीसी क्रीम भी नहीं लगाती डायरेक्ट कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ मुझे काफी अच्छा लगा ये कॉम्पैक्ट क्योंकि ना जब शेड का कॉम्पैक्ट मिल जाता है ना तो अच्छा लगता भी है ये मेरे शेड का कॉम्पैक्ट मुझे मिल गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई एंड बहुत सारे शेड हैं आप जरूर एक बार चेक कर लेना कि आपका शेड कौन सा है नेक्स्ट में ये भी आपको रिकमेंड करूंगी शुगर का ये वाला ब्लश बहुत ही अच्छा है इसका पूरा किट भी आता है आप चाहो तो वो ले सकते हो बट ये आप क्योंकि कॉन्टोर वगैरह ना सब नहीं करते तो अगर आपको वो सब चीजें नहीं करनी तो आप ये ले लो सबसे बेस्ट है छोटू सा इसके अंदर देखो ऐसे रहता है इसको अच्छे से ब्रश में लेना है और कभी भी ये नहीं करना है कि ब्लश को बस यहाँ यहाँ ऐसे से लगा दिया चीक बोन हाईलाइट हो गई इसको ऐसे से लगाना है थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए ताकि आर्टिफिशियल नहीं लगे वरना वो ना आर्टिफिशियल लगेगा कि बस गाल जो है ना वो थोड़े से लाल लाल से हो गए ऊपर बाकी तो कुछ लग ही नहीं रहा सो so, बहुत ही ध्यान रखना है ये जो ब्लश का मैंने शेड लिया है इसमें बहुत सारे शेड आते हैं आप चेक कर लेना मैंने ये बहुत लाइट शेड लिया है जस्ट बिकॉज कि डेली टू तो डेली लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लाल लाल से भी नहीं अच्छे लगते तो मैंने इसको बहुत ही न्यूट्रल सा लिया है कि जो मेरा फेस है बहुत चमके भी नहीं और फेस पे ना एक हल्का सा इन्हेंस हो जाए मेरा फेस जो फीचर्स हैं वो हल्के से और ज़्यादा ब्राइट लगे दिखे तो सेल चल रही है बहुत ही बढ़िया वाली फटाफट से जाइए चेकआउट करिए और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में बाय बाय सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी जो कि बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे मैंने अभी रिसेंट अपने एक वीडियो में इसे पहना था बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये ज्यूलरी तो लेट मी शो यू दिस इज़ सो ब्यूटिफुल पर्ल की ये इयर है पर्ल का इयर रिंग एंड पीछे ना इसमें ऐसा कपड़ा लगा हुआ है आप ईमा सोचना कि बहुत ज़्यादा इसका वेट होगा इसका वेट बिल्कुल ना के बराबर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है देखो आप क्वालिटी इतनी सुपर्ब है कि मैं आपको क्या बताऊं? ये वाले जो इयरिंग्स होते हैं ना ये थोड़ा डिजाइनर लुक देते हैं ऐसा आपको डिज़ाइनर वाला फील आएगा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है आ, ये जो इयरिंग है ये मैं पर्सनली पहनना चाहूँगी साड़ियों के साथ जिसमें पर्ल का वर्क हो या फिर ऐसी साड़ियाँ जिसमें पर्ल का वर्क ही हो बिकॉज इसमें ना पूरा पर्ल का वर्क है तो ये उसी के साथ जाएगा ये अभी रिसेंटली मैंने देखा था कोमल पांडे ऑफिशियल हैं जो कि काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं ब्लॉगर हैं सो मैंने देखा था कि उन्होंने अपने एक वीडियो में इसको पहना था और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसके बाद जब उनके पेज पर मुझे ये दिखा तो मैंने मुझे ये था कि बस मुझे ये वाला तो ज़रूर चाहिए तो मैंने ये वाली ऑर्डर की बड़ी प्यारी सी हैं सुंदर सी क्यूट सी हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी हैं तो अगर आप ये वाली बाय करना चाहो तो ये वाली भी आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी पीस जो कि है बहुत ही प्यारा सा पूरा सेट है मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले आपको मिलता है एक ब्यूटिफुल सा चोकर ये बहुत ही हाई क्वालिटी के चोकर्स हैं आप देख सकते हो इनका जो स्टफ़ uh, है वो भी अलग है एंड सबसे बड़ी बात है ये कलर्ड में है आप देखो रेड ग्रीन मोती लगे हुए हैं इसमें एंड इसमें वर्क भी हुआ है और इनका जो ये uh, डोरी होती है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है प्रॉपर इसमें uh, लगाने का बना हुआ है ये मैंने अभी uh, पहना था ये मैंने किस दिन पहना था ये मैंने अभी पहना था जल्दी में ही याद नहीं आ रहा आपको याद होगा तो बताना यार अभी जल्दी में ही पहना था मैंने ये सेट हाँ हाँ पहना था मैंने मीशो हॉल किया था उसमें पहना था उसके साथ आपको ये इयर मिल रहे हैं इयर भी बहुत क्यूट से हैं एंड देन आपको मिलता है एक नोज़ नोज़ पिन बोलेंगे इसको ऐसा झुमकी टाइप का जिसमें से झुमकी सी लटक रही है मुझे बड़ा प्यारा लगा मैं ना एक मेकअप लुक करने वाली हूँ उसमें मुझे डेफिनेटली इसकी नीट बढ़ने वाली है तो इसको मैं ज़रूर पहनने वाली हूँ मुझे बहुत प्यारा लगा ये सेट एंड द नेक्स्ट ज्वेलरी पीस जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा ऐसा थोड़ा सा बंजारा लुक देगा आपको ये वाला ज्वेलरी पीस लुक इट दिस सो ब्यूटिफुल इसके लिए मैं वेट कर रही हूँ मुझे एक बढ़िया सी साड़ी चाहिए जिसपे मैं प्रॉपर डीप नेक का ब्लाउज बनवाऊंगी एंड देन आई एम गोना वेयर दिस बहुत ही प्यारी सी है थोड़ा सा पलट गई है इनको थोड़ा सेट करना पड़ेगा ओके सेट हो गई तो ये बहुत ही प्यारा सा ऐसा ना स्टेटमेंट एयरिंग जिसको आप बोलते हो बहुत ही सुंदर सा नेक पीस है ये डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है आप डेफिनेटली ये वाला बाई कर सकते हो बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड द क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है इनका जो प्राइस वगैरह होगा सब आप डायरेक्टली उनसे पूछ लेना मैं कोशिश करूँगी प्राइस वगैरह मैं मैंशन में कर दूँ बाकी जो इसका क्वालिटी है क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा एवन मिलेगी ओके सो द नेक्स्ट ब्यूटिफुल पेयर ऑफ ईयरिंग इज दिस ब्यूटिफुल सा ऐसा पिजन वाला ईयर रिंग जिसमें आपको केज बनी हुई दिख रही है ऐसे बहुत ही सुंदर ओ मई गॉड ऐसे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं क्वालिटी इतनी ज्यादा फाइन है इतनी ज्यादा सुपर है ये वाला ईयर ना मैंने बहुत सारे इंस्टा स्टोर पर देखा था बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मैंने देखा था इवन बट मैंने सोचा कि नहीं लेंगे यार ठीक है क्या करना बट जब एक चीज़ दिमाग में बैठ जाती है ना तो वो चीज़ फिर कभी दिखती है तो लगता है कि चलो ले लें तो जब मैं ले रही थी तो मुझे ला कि लाओ चलो ले लेती हूँ क्योंकि सुंदर तो लग रहा था बट ऑलरेडी इतने लोगों ने पहना था तो मैंने कहा कि क्या ले बट फिर भी ले लिया मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये पिजन वाला इयरिंग भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो मैं इसमें आपको जितने पीस दिखा रही हूं अगर मैंने आपको दस पीस दिखाए तो दस में से नौ तो आप खरीदने ही वाले हो बिकॉज वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं इतने ज्यादा सुंदर है ना कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि साड़ी पे ही पहन सकते हो सूट पर नहीं पहन सकते या सूट पे पहन सकते हो साड़ी पे नहीं पहन सकते सब पर अच्छा लगेगा बिकॉज मैं सब पर पहनती हूँ मैं तो मोस्टली साड़ी पहनती हूँ बट फिर भी मैं ये सारे इयर पहनती हूँ मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है तो ऐसा ये जंक में ऐसा डायमंड वाला फील दे रहा है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है पता नहीं क्या बोलते हैं यार इसको मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंग जो कि है ये ब्यूटिफुल सा इयरिंग ओ माई गॉड ऐसा चांद बाली वाला इयर है ये लुक एट दिस सो सो दोपरेटी सो सोपरेटी इसमें मोती भी लगे हैं इसमें स्टड भी लगे हुए हैं वाइट स्टोन्स ओ माई गॉड बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है ये ऐसी चांद बाली है जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं इनको आप पहनोगे तो है इतना खूबसूरत लग रहा है इनके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी ज़्यादा खूबसूरत इयर हैं बहुत ही ज़्यादा ये डेफ़िनेटली आप पहन सकते हो ले सकते हो और जब भी लेना यार टैग ज़रूर करना बड़ी खुशी होगी देख के कि आपने मेरी पसंद को पसंद किया तो बहुत ही सुंदर से इयर हैं ये भी बहुत ज़्यादा ऐसा और बहुत ही केयर से मैं रखने वाली हूँ मैं बहुत केयर से वैसे भी अपनी इयरिंग्स रखती हूँ ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आप ऐसा ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हो तो और इन सबका प्राइस मैं कोशिश करूँगी स्क्रीन पर मैंशन कर दूँ अदरवाइज आप स्टोर पर जाकर डायरेक्टली उनसे पूछ लेना वो आपको बता देंगे एक्चुअली पहले ही प्राइस बता दो ना तो कई बार मन ही नहीं होता आप लोगों का आगे देखने का तो इसीलिए मैं पहले प्राइस नहीं बताती सो नेक्स्ट वी हैव ओ माई गॉड वी ब्यूटिफुल ये ऐसा चांद वाली प्लस झुमकी इतना हैवी लुक दे रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ ऊपर से इसमें से सहारा लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल सा ईयर है ऐसा मांग टीके की तरह भी अपन इसको यूज कर सकते हैं वाओ सो ब्यूटीफुल सो so, ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा ये सेम पैटर्न मतलब सहारा वाला पैटर्न है बट बहुत ही सुंदर है एक एक चीज इतनी फाइन है आप देखो इसमें वाइट स्टोन भी लगे हुए हैं वाइट मोती भी लगे हुए हैं और इसमें स्टोन मतलब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फाइन हैं और इतना ज़्यादा रॉयल बना रही हैं क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है ऐसा सस्ती वाली क्वालिटी बिल्कुल नहीं लगेगी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है एंड इनके पास जितने भी मुझे ज्वेलरी पीसेस दिखे ना वो सारे अच्छे थे और ये सारे ना उनके पास न्यू अराइवल थे तो मैंने इसलिए फटाफट से मंगा लिया कि इससे पहले कि स्टॉक आउट हो तो मेरे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए और मुझे एक ऐसा स्टोर मिल गया जहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट मेरे पसंद की ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल गई तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस जो कि है अगेन एक नेक पीस जो मैंने आपको दिखाया था वो रेड एंड ग्रीन का ना उसी टाइप का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है ये ब्लैक कलर का है सिर्फ ब्लैक मोती लगे हुए हैं इसमें वाइट एंड ब्लैक मोती ये भी नेक पीस बहुत ही सुंदर है ऐसे चोकर सेट ना बड़ा ऐसा बहुमियन वाइप देते हैं सबसे बड़ी बात है कि ये वाले जो चोकर स्टाइल है ना काफी ज्यादा न्यू है अभी ट्रेंड में बिकॉज जो नॉर्मल वाले चले थे ना वो बहुत ज्यादा सबने पहन लिए शायद ही कोई बचा होगा जिसने नहीं पहना तो ये थोड़ा नया है एंड इसके साथ आपको ईयर मिल रहे हैं बहुत ही प्यारे ऐसे छोटे छोटे ईयरिंग्स मिल रहे हैं जो कि आपके कानों में बहुत ही सुंदर लगेंगे एंड इसके साथ आपको मिल रही है बहुत ही प्यारी सी नोज पिन जो कि ब्लैक कलर में ही है वो वाली मैंने आपको दिखाई थी वो थोड़ा मिरर टाइप की थी उसमें झुमकी सी लटक रही थी बट ये बहुत सिंपल सी है तो ये एक पूरा सेट मिल रहा है वो वाले चोकर सेट के साथ भी आपको ईयरिंग और नोज का मिल रहा है इसमें भी आपको ईयर और नोज़ का मिल रहा है बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला पीस भी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस जो कि है एक ईयर कप तो एक ईयर कफ तो होना ज़रूरी था बिकॉज आज तक मेरे पास ईयर कफ नहीं था सो so, मैंने ये लिखा है लिया है देखूँ मगर प्यार से तो बहुत प्यार से आपको देखना है बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये ऐसा ईयर कफ है आपके कानों में फंसा लेना है आपको प्रॉपर फंसाने के लिए इसमें बना हुआ है कैसे पहनते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी तो ऐसा ये दो का सेट है बहुत सुंदर सा इसमें राधे राधे भी लिखा हुआ मिलता है बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिलती हैं आप देख लेना बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस जो कि अगेन एक नेक पीस होने वाला है आई है सॉरी फॉर द नॉइस जो कि एक नेक पीस है ओ माई गॉड इसलिए सो so ना बड़ा ऐसा हैवी सा लग रहा है बड़ा सुंदर सा लग रहा है इसको मैं आई रोन में मेरी किस साड़ी के साथ पेयर करूँगी बट मैं डेफ़िनेटली इसको बहुत जल्दी पेयर करने वाली हूँ बड़ा प्यारा लगा मुझे ऐसा शीप वाला डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत सा है और काफ़ी ना ऐसा लाइट वेट है ऐसा नहीं कि बहुत भारी है जो चीज़ें ना आपको देखने में भारी लग रही हैं इसमें से कोई भी ज्वलरी पीस जो है वो भारी नहीं है बहुत ही अच्छा है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अगर ज्वेलरी पीस जो है ऐसा जंग ज्वेलरियाँ ये अगर आपको बहुत भारी महसूस हो रही हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती तो मैंने बस लाइट वेट वाली बट जो देखने में बहुत हैवी लगे वो वाली ली हैं एंड आई रियली कि मेरे घर में कोई शादी पड़े और मैं ये सारी चीज़ें पहनूँ वी हैव द लास्ट ईयर का पीस जो कि है ये टेलीफोन वाला सो so, ये टेलीफोन वाला है इसमें मोती लगे हुए हैं एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर कॉल उठाने वाला बना हुआ है तो ये मैंने एक छोटा सा पीस लिया ये मैंने बस एक छोटू सा ले लिया ये कॉम्प्लीमेंट्री था एक्चुअली तो ये मैंने बस ले लिया मुझे क्यूट सा लगा सो या वी हैव ऑल दीज ब्यूटिफुल पीसेस जूलरी पीसेस जो कि सारे मेरे फेवरेट है एक भी मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है मेरे सारे फेवरेट हैं एंड डेफिनेटली मैं सब आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर बाय करिए आपके पास ये आपके वॉर्डर में होना बहुत ज़रूरी एंड अगर आपकी शादी हो रही है तो आप डेफिनेटली ये वाली चीज़ें ले लीजिए बिकॉज यार ऐसा झुमका वुमका सब सबको ही पहनते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नया है ट्रेंड में तो शादी के बाद जब आप सूट वग़ैरह पहनोगे सुंदर सा तो आप ऐसे बड़े बड़े कान में पहन लो ढेर सारा चूड़ा पहन लो बहुत ही खूबसूरत लगेगा साड़ियों के साथ भी बहुत ही सुंदर जाएगा बिकॉज आजकल गोल्ड थोड़ा कम ही पहन रहे हैं लोग सो आप डेफिनेटली ये वाली चीजें बाय कर सकते हो एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाइएगा डायरेक्टली उनसे बात करके सारी चीजें ले लीजिएगा बहुत ही स्वीट है जिनका स्टोर है दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो आई जस्ट होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नए वीडियोज के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय लॉट्स ऑफ लव